हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ निकिता एंड इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल एंड इफ़ यू डू नॉट नो मी, आई एम अ फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट। और आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है रिवीजन। हम फर्स्ट टाइम कोई भी चीज़ को पढ़ते हैं तो हमारे मन में एक प्राइमरी मेमोरी जनरेट होती है, बट एज वी प्रोग्रेस और चीज़ें दिमाग में आती हैं, वो जो मेमोरी होती है हमारी, वो धीरे धीरे फेड होना शुरू हो जाती है। आप दोबारा उस चीज़ को पढ़ते हो, उसके बाद सेम चीज़ होती है, उसका जो कर्व होता है वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है और एक टाइम के बाद वो मेमोरी आपके दिमाग में परमानेंटली फिक्स हो जाती है। तो अपने को क्या कोशिश करनी है कि हमें ऐसा नहीं है कि हमें बिल्कुल अब वो चीज़ जो है वो जन्मों जन्मों को तो याद रखनी है, बट हमें बस ऐसी मेमोरी जनरेट करनी है कि हमारे पेपर तक हमें वो चीज़ याद रहे, या हम पेपर के 7 दिन पहले अगर हम वो पढ़ के जाएँ तो वो हमें अच्छे से याद आ जाए और हम उसको पेपर में जाके बस उगलें। हमारा मेन मोटिव बस इतना ही है। अगर वो वाली जो वीडियो देखी हो कि टॉपर्स ने क्या कर रखा है कि रिवीजन करो, इसके चक्कर में बच्चे दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। अगर आपने कभी भी मेरे से पूछा है कि दीदी आप बता दो कि सिलेबस कब तक कंप्लीट करना है, तो मेरा हमेशा ही ये जवाब होता है, यार पेपर के 2 महीने पहले कंप्लीट कर लो। ये मत सोचो, अगर मुझे किसी ने कहा है ना कि मैं दिसंबर तक अपना सिलेबस कंप्लीट करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे करूँ? मैं हमेशा ही उसको ये एडवाइस देती हूँ कि इतनी जल्दी सिलेबस कंप्लीट करके कुछ नहीं होने वाला। अपना जो आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो ना, वो इतने अच्छे से पढ़ना है कि ऐसे सोच के पढ़ना है। ऋषभ सर हमेशा ये कहते थे कि फर्स्ट टाइम पढ़ो तो ऐसे पढ़ो कि पेपर अभी 10 साल बाद है, हमारे पास बहुत टाइम है। करने बैठोगे ना तो 3 प्रॉब्लम मेन आने वाली है। क्या आएगी? सबसे पहला, एक चैप्टर करने में बहुत टाइम लग रहा है। दूसरा, हमें टाइम ही नहीं मिल रहा यार, हमें कोचिंग जाना होता है, हमें बैकलॉग का पढ़ना होता है, उसके बाद हमें टाइम ही नहीं मिल रहा, हम रिवाइज कहाँ से करें? और थर्ड, हमें कैसे पता चलेगा कि आज हमें कौन सा चैप्टर रिवाइज करना है? इतना सारा सिलेबस हो जाएगा तो हम कैसे सारा रिवाइज करें? कैसे प्लान करें कि यार हमें कौन सा चैप्टर रिवाइज करना है, कब रिवाइज करना है, कितने टाइम बाद रिवाइज करना है, कैसे करें? सबसे पहली बात, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है कि एक चैप्टर करने में बहुत टाइम लग रहा है। अब तुमने तो कह दिया कि नोट्स रिवाइज करो, पूरा रिवाइज करो, इतना टाइम लगता है कि एक चैप्टर रिवाइज करने में। तो शुरू की 1, 2 या 3 जब रिविजन करोगे ना, बहुत टाइम लगेगा। और उसके बाद रिवाइज करने का टाइम इतनी फटाफट डिक्रीज होएगा ना, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। अभी ये चीज़ एक्सपेक्ट मत करना कि यार हमारी फटाफट रिवीजन हो जाए। अभी जितना टाइम पढ़ने में और जितना टाइम अच्छे से रिवाइज करने में लगाओगे ना, लास्ट में उसका तुम्हें इतना फ़ायदा मिलेगा। स्टार्टिंग में टाइम लगेगा और टाइम लगाना है। ऐसे नहीं सोचना कि अभी टाइम लग रहा है यार, अभी मुझे एक चैप्टर रिवाइज करने में 5 घंटे लग रहे हैं, तो मैं लास्ट के वीक में भी मुझे 5 घंटे लगेंगे। नहीं लगेंगे यार, हो सकता है 15 मिनट में रिवाइज हो जाए। सेकेंड, कि यार हमें टाइम ही नहीं मिलता, अब हमें कोचिंग जानी है 6 घंटे की, उसके बाद सोना भी है यार, सोना भी ज़रूरी है 6-7 घंटे, उसके बाद हमारा थोड़ा बहुत बैकलॉग भी हो गया, उसे भी कवर करना है, फिर घर पे आके जो करंट में टॉपिक चल रहा है उसको हम पढ़ें, कि DPP लगाएं, क्वेश्चन लगाएं, PYQ लगाएं, वो भी ज़रूरी है। अब उसके बाद बताओ यार हम रिवाइज करें। एक बिल्कुल बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, अपने कोचिंग के आवर्स माइनस कर दो, स्लीप के आवर्स माइनस कर दो, बैकलॉग का 2 घंटा, रिविजन का 1 घंटा। उसके अलावा आपको क्या करना है यार, कोचिंग में 5 मिनट का ब्रेक मिला है, टीचर जाता है आता है, टाइम लगता है ना, उसको वेस्ट करने की बजाय उसमें 10 मिनट में तो फटाफट से एक चैप्टर रिवाइज हो जाए कोई, अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो। यार स्कूल की बस आने वाली है, बस स्टॉप पे खड़े हो, अपने एक पेज वाले जो ऑर्गेनिक के नोट्स बताए हैं ना, वो निकालो और फटाफट से देख लो। अगर दिन में आपने सिर्फ 3 टाइम 10 मिनट निकाल ली कहीं पे भी, 10 मिनट कितनी होती है यार, कितनी जगह तो 10 मिनट हम ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं। 1/2 घंटा हो गया, आपने 1/2 घंटा रिवाइज कर लिया, कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है, दीदी मैंने आज ये यहाँ पे टाइम बचा के और मैंने ये चीज़ आज रिवाइज की है। ये बात आपने सुनी होगी कि जिसके पास जितनी जो चीज़ होती है ना, वो उतनी उसको वेस्ट भी करता है। हमारे पास अगर रिसोर्स कम है, चीज़ कम है ना, तो हम उसको बचा के यूज़ करते हैं, एक्सेस में है तो हम वेस्ट कर देते हैं। अपना जो टाइम है ना, लिमिटेड है मैंने माना, पर उस लिमिटेड टाइम को ना इस तरीके से यूज़ करना है कि यार मेरी 10 मिनट भी वेस्ट नहीं होनी चाहिए।
और आजकल तो इतनी चीज़ें आ गई हैं, बायोलॉजी के फ्लैश कार्ड्स आने लग गए हैं। मैं कोई किसी चीज़ को प्रमोट नहीं कर रही, किसी कंपनी को प्रमोट नहीं कर रही, मैंने वैसे देखा है, मुझे अच्छा आइडिया लगा। तो आप ऐसी कोई चीज़ यूज़ कर सकते हो कि यार मेरे पास 2 मिनट भी है ना, 2 मिनट में एक फ्लैश कार्ड रिवाइज हो जाए, एक टॉपिक रिवाइज हो सकता है। अब अपनी तीसरी प्रॉब्लम पे आते हैं, जो कि हमें पता ही नहीं लग रहा यार कि कौन सा चैप्टर कब रिवाइज करें, आज रिवाइज करें, उसके कितनी देर दिन बाद रिवाइज करें, कोई प्लान ही नहीं बन पा रहा। आपको ये चीज़ समझ आ गई है ना कि हम खुद से पूरे साल का प्लान नहीं कर सकते कि कैसे रिवाइज करें। एक छोटी सी चीज़ है, एक ऐसी टेस्ट सीरीज लो जिसमें कि ऐसे होते हैं ना, फर्स्ट माइनर टेस्ट, सेकंड माइनर टेस्ट, थर्ड माइनर टेस्ट, उसके बाद एक मेजर टेस्ट होता है जिसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ का सिलेबस आता है। उसके बाद ऐसे होता है, उसके बाद पूरे हाफ सिलेबस का टेस्ट लेंगे, सेम फिर ट्वेल्थ के लिए रिपीट। इससे ये होएगा कि यार आपकी, आप जो चीज़ खुद अचीव करना चाह रहे हो ना, वो आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी टेस्ट पे दे दी। अगर आप एक टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग चल पड़ते हो ना पूरे साल, आपका हो ही नहीं सकता कि आपकी या तो रिविजन छूट जाए या सिलेबस छूट जाए। अब बस इतनी सी बात रह गई है कि मेरा संडे को टेस्ट है तो मुझे कैसे भी करके वो सिलेबस तो कंप्लीट करना ही है, और क्या करना है, उस चीज़ को अच्छे से रिवाइज करना है। वो मैंने ना मॉक टेस्ट वाली वीडियो में बताया भी हुआ है कि किस तरीके से टेस्ट की मैं तैयारी करती थी। या तो मैं रिविजन करती थी या टेस्ट की तैयारी करती थी। टेस्ट की तैयारी में भी रिविजन ही है, मेन बात क्या है भाई, एक घंटा मैंने निकाल रखा है उसमें, या तो मैं टेस्ट की तैयारी करूँगी या मैं अपनी पीछे की कोई भी चीज़ की रिविजन करूँगी, जो मेरा मन है। एक घंटा मेरा फिक्स है, एक टॉपिक मुझे उठाना ही है जो कि मुझे पिछला रिवाइज करना है। अब एक टाइम पे एक चैप्टर पूरा करना है, हो रहा है तो करो, नहीं हो रहा तो कुछ टॉपिक उठा लो। हम ना एक्सट्रीम्स में चले जाते हैं, या तो हम पूरा ही करेंगे या हम कुछ करेंगे ही नहीं। यार मेरे से एक पेज होता है ना, मैं एक पेज कर लूँगी, मेरे से चार पेज होते हैं, मैं चार पेज कर लूँगी, मेरे से पूरा चैप्टर करने का टाइम है तो मैं पूरा चैप्टर करूँगी। ये नहीं सोचना कि पूरा नहीं हो रहा तो एक पेज करके भी कोई फ़ायदा नहीं है, ये मेंटेलिटी होती है यार हमारी, इनबिल्ट है ये, मतलब। और इस चीज़ को ना अपने को समझना पड़ेगा, और ये जो पैटर्न है ना अपना, उसको ब्रेक करना ही पड़ेगा। जब आप सिलेबस कंप्लीशन पे कर रहे हो ना, अगर आप दिन में एक घंटा भी दे रहे हो, और जैसे आपका संडे को टेस्ट है या बीच में छुट्टी आ रही है, उस दिन आप पूरा दिन भी दे रहे हो अपनी चीज़ों को रिवाइज करने का, जिस दिन टेस्ट है उस दिन आप सुबह के 5-6 घंटे लगा रहे हो अपना रिवाइज करने पे, आपका कैसे रिविजन, आपका फर्स्ट रिविजन हो रहा है। जब आप घर पे आ रहे हो और उस चीज़ को सॉल्व कर रहे हो, एक बार देख रहे हो, उसके बाद डीपीपी सॉल्व कर रहे हो, आपका फर्स्ट रिविजन हो रहा है। उसके बाद आप उसका टेस्ट दे रहे हो, आपका सेकंड रिविजन हो रहा है। सेकंड भी 3-4 बार रिवाइज हम कर सकते हैं, अगर हम करना चाहे तो पलट के देख सकते हैं ना फटाफट, टेस्ट से पहले 2-3 बार आपका तब रिविजन हो रहा है। उसके बाद आप नेक्स्ट अपना टेस्ट दे रहे हो, उसके बाद तब आपका रिविजन हो रहा है। और एक बार आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद 2 महीने तो अपन रिवाइज करने पे ही हैं। अगर हम पहले से ही हमने अपना सिलेबस अच्छे से किया नहीं, और हम सोच रहे हैं कि लास्ट के 2 महीने में फटाफट रिविजन हो जाए, वो पॉसिबल ही नहीं है। वो पॉसिबल कब है, जब आप अच्छे से पढ़ते हो, जब आप अच्छे से टेस्ट, हर टेस्ट को आप सीरियसली लेते हो। अगर आप ये दो चीज़ कर रहे हो ना, 100% गारंटी है एक बार आपको मुश्किल आएगी जब आप फुल लेंथ टेस्ट लगाने लगोगे, बट कुछ टाइम बाद आपका एक बार पूरा सिलेबस गो थ्रू आप हो जाओगे फुल लेंथ टेस्ट लगाते हुए, और आपके फुल लेंथ टेस्ट भी अच्छे जाने लग जाएंगे। अपने आप को ये तो कहना ही नहीं कि मैं कर नहीं सकता, अपने मेंटल बैरियर्स को निकाल के फेंक दो। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।